Whoever is there in the chair to remind you about the time. Please keep that in mind. Honorable Prime Minister. आदरणीय सभापति जी, आपने वक्ताओं के लिए काफ़ी सीमाएं बांधी है। मेरी कोशिश रहेगी उन सीमाओं का पालन करते हुए अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करूं। वैसे हमारे यहाँ विदाई समारंभ तो है ही है, जा रहे हैं साथी, लेकिन जैसे बंगाली में कहते हैं आमी आश्ची या गुजराती में कहते हैं आवजो कम अगेन, वैसे कहते तो बाय बाय लेकिन कहते कम अगेन, तो एक प्रकार से हम तो यही चाहेंगे कम अगेन, ताकि जैसा सभापति जी ने कहा कि इतने इतने अनुभव जिनके साथ जुड़े हुए हैं, पाँच टर्म, चार टर्म, तीन टर्म, इतने समय से, यानी एक बहुत बड़ी मात्रा में अनुभव का संपुट हमारे इन सभी महानुभावों के पास है, और कभी कभी ज्ञान से ज़्यादा अनुभव की ताकत होती है। एकेडमिक नॉलेज की कभी कभी बहुत सीमाएं होती है, वो सेमिनार में काम आता है, लेकिन अनुभव से जो प्राप्त हुआ होता है उसमें समस्याओं के समाधान के लिए सरल उपाय होते हैं, उसमें नयापन के लिए अनुभव का मिश्रण होने के कारण गलतियां कम से कम होती हैं, और इस अर्थ में अनुभव का अपना एक बहुत बड़ा महत्व होता है। और जब ऐसे अनुभवी साथी सदन से जाते हैं तो बहुत बड़ी कमी सदन को होती है, राष्ट्र को होती है, आने वाली पीढ़ियों के लिए जो निर्णय होने वाले हैं उसमें कुछ कमी रह जाती है। और इसलिए जब अनुभवी लोग जाते हैं उनके लिए यहाँ बहुत कहा जाएगा, लेकिन जब अनुभवी नहीं यहाँ है तब जो है उनकी जिम्मेवारी जरा और बढ़ जाती है। वो जो अनुभव की गाथा यहाँ छोड़ के गए हैं, जो बाकी यहाँ रहने वाले हैं उनको उसको आगे बढ़ाना होता है, और जब वो आगे बढ़ाते हैं तो सदन की ताकत को कभी कमी महसूस नहीं होती है। और मुझे विश्वास है कि आप जो साथी आज विदाई लेने वाले हैं उनसे हम जो सभी सीखे हैं आज हम भी संकल्प करें उसमें से जो भी उत्तम है, जो श्रेष्ठ है, उसको हम आगे बढ़ाने में इस सदन की पवित्र जगह का जरूर हम उपयोग करेंगे, और ताकि देश को समृद्धि में बहुत काम आएगा। एक लंबा समय हम इस चार दीवारों के बीच में बिताते हैं, हिंदुस्तान के हर कोने की भावनाओं का यहाँ प्रतिबिंब, अभिव्यक्ति, वेदना, उमंग, सब कुछ यहाँ पर एक प्रवाह बहता रहता है, और उस प्रवाह को हम भी अनुभव करते रहते हैं। लेकिन कभी हमको लगता होगा कि मैंने इस सदन में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया, बहुत सच्चाई है, लेकिन साथ साथ इस सदन ने भी हमारे जीवन में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया। हम सदन को देकर के जाते हैं उससे ज़्यादा सदन से लेकर के जाते हैं, क्योंकि भारत की विविधताओं से भरी हुई सामाजिक व्यवस्थाओं से, अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव वाली व्यवस्थाओं से निकली हुई चीज़ें, उसको हम प्रतिदिन अनुभव करते हैं सदन में। और इसलिए मैं आज यही कहूँगा कि भले हम इन चार दीवारों से निकल रहे हैं, लेकिन इस अनुभव को राष्ट्र के सर्वोत्तम हित के लिए चारों दिशाओं में ले जाएं, चारों दीवारों में पाया हुआ चारों दिशाओं में ले जाएं।
ये हम सबका संकल्प रहे और हमारी ये भी कोशिश रहे कि सदन में अपने कालखंड में जो महत्वपूर्ण चीजें हमने कंट्रीब्यूट की हैं, जिसने देश को शेप दिया, देश की दिशा को मोड़ा है, मैं चाहूंगा उन स्मृतियों को आप कहीं न कहीं शब्दबद्ध करें, कहीं न कहीं लिखें, ताकि कभी न कभी वो आने वाली पीढ़ियों को रेफरेंस के रूप में काम आएगी। कहीं पर भी हम बैठे हो, यहाँ हो या वहाँ हो, लेकिन हर एक ने अपने तरीके से कुछ न कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन किया होगा जिसने देश को दिशा देने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। इसको अगर हम संग्रहित करेंगे, मैं समझता हूँ कि ऐसा मूल्यवान खजाना हमारे पास काम आएगा जो आने वाले लोगों के लिए काम आ सकता है, यानी एक इंस्टीट्यूशनलाइज व्यवस्था के तहत उसका उपयोग हो सकता है। उसी प्रकार से मैं ये भी चाहूँगा, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है, आज़ादी के 75 साल हुए हैं, हमारे महापुरुषों ने देश के लिए बहुत कुछ दिया, अब देने की जिम्मेवारी हमारी है। हम यहाँ से उस भाव को लेकर के, क्योंकि अब थोड़ा समय ज़्यादा होगा हमारे पास, जब यहाँ से जा रहे हैं तो सभापति जी का बंधन भी नहीं होगा तो आप बड़े खुले मन से एक बड़े मंच पर जाकर के आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस महामूल्य पर्व को माध्यम बना करके आने वाली पीढ़ियों को कैसे प्रेरित कर सकते हैं, उसमें अगर आपका योगदान रहेगा, मैं समझता हूँ देश को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। मैं सभी साथियों को, मैं इंडिविजुअली उल्लेख नहीं कर रहा हूँ, सभापति जी ने कहा है कि व्यक्तिगत मिले तो कह देना, तो मैं व्यक्तिगत जरूर कोशिश करूँगा, आप सबको अपनी अच्छी अच्छी बातें बताऊँगा, आपकी जो अच्छी बातें हैं उसको मैं जरूर नोटिस करता हूँ। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, लीडर ऑफ द अपोजिशन।